and welcome to DEM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. In this video, we are gonna take how to use TW2...TO2, or even we can say how to make the sentence positive. अब सबसे पहले आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे जाना चाहिए कि जब भी कभी आप किसी भी सेंटेंस में TW2 या TO2 यूज करना चाहते हो या किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से यू कैन मेक इट। तकरीबन दो चाबी या दो कीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। बस दोनों कीज पे आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है, बस आसानी से आपको ये चीज़ आ जाएगी। अब सबसे पहली वाली की अपने को क्या समझा रही है? तो सबसे पहले वाली की हमको सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही है कि ऐसा समझ लो कि अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो। आप पूछोगे कि सर मुझे सेंटेंस देखते ही कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है? तो बच्चा इतना ध्यान से, गौर से, आराम से सुन लो कि अगर पहले वाले सेंटेंस की शुरुआत में जो सब्जेक्ट दिया है वही सब्जेक्ट हमें दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में भी अगर दिया गया हो तो हमें समझ ही जाना है कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में सो डैश 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 दैट यूज करके अपन को दिया गया हो, तो ऐसे टाइम पे भी सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट हो और दैट के बाद में जो सब्जेक्ट हो अगर वो दोनों सब्जेक्ट एक ही हो तो समझ लो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। अब ऐसा समझ लो, ऐसा मान लो कि अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो मैं की नंबर वन इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले की नंबर वन में मैं करना क्या वाला हूं? तो सबसे पहले की नंबर वन में हम एक ही चीज करेंगे कि जो कोई भी अपना एसओ सो है, या कई बार सेंटेंस में इस तरह से मैं वेरी या रियली जैसे वर्ड्स दिए गए होते हैं, उस वेरी रियली या एसओ सो की जगह पे मुझे सेंटेंस में क्या लेना है? TO2 ले लेना है। अब देखो, वेरी के बाद, रियली के बाद या एसओ सो के बाद हमेशा ही आता तो एडजेक्टिव है, तो यहां पर भी मैं TO2 के बाद एडजेक्टिव वैसे का वैसा ही मैं लिख लूंगा। तो सबसे पहले आप इतना समझ लो कि सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है। सबसे पहली चीज हमें एक ही करनी है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट है वही अपने को जानना है। अगर पहले सेंटेंस की शुरुआत में और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में अगर दोनों के सेंटेंस की शुरुआत में सेम सब्जेक्ट हमको दिया गया है तो हमें मान लेना है कि एक ही सब्जेक्ट है। लेकिन पहले सेंटेंस की शुरुआत में और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में, सो से पहले वाले सेंटेंस में और दैट के बाद जो दोनों सब्जेक्ट अलग हो तो हमें समझ जाना है कि सेंटेंस में तकरीबन दो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इतना डिसाइड करो कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है कि दो सब्जेक्ट है। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो की नंबर वन इज जस्ट फॉर यू। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, तो जो कोई भी वेरी या रियली या फिर अपने को सो दिया गया है उसकी जगह पे हमने क्या ले लिया है? TO2। तो सबसे पहली चीज हम क्या सीखे, तो सबसे पहली चीज हम ये सीखे कि अगर सेंटेंस में वेरी वर्ड दिया हो, अगर सेंटेंस में रियली वर्ड कहीं पे दिया हो, अगर सेंटेंस में एसओ सो दिया गया हो तो उसकी जगह पे हमें क्या लेना है भैया? TO2 लिख लेना है। तो सबसे पहले TO2 आ जाएगा इस तरह से, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा। अब देखो, पहले सेंटेंस की शुरुआत में और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में दोनों में सब्जेक्ट सेम ही है। अब दोनों में सब्जेक्ट अगर सेम ही है तो एडजेक्टिव के बाद सीधा ही मुझे क्या ले लेना है? TO2 ले लेना है। सीधा ही मेरे को क्या लेना है? TO2 ले लेना है। अब देखो भैया, ये भी ध्यान से, गौर से सुन लो कि TO2 के बाद हमेशा ही क्या आता है? तो TO2 के बाद हमेशा ही V1 आता है। आप पूछोगे कि सर अगर सेंटेंस सो डैश 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 दैट से जुड़ा हो या दो सेंटेंस इस तरह से अलग अलग मेरे को दिए गए हों तो मुझे V1 मिलेगा कहां से? आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आसान शब्दों में हम इतना ही कह पाएंगे कि हमको सेंटेंस में या तो कैन नॉट दिया होगा या तो हमको सेंटेंस में कुड नॉट दिया होगा। जो कोई भी अपना कैन नॉट है, जो कोई भी अपना कुड नॉट है, उसके बाद में हमें जो कुछ भी दिया है वही अपना क्या है? V1। हमको और कुछ नहीं करना, ये जो कैन नॉट है, कुड नॉट है, ये जो भी वर्ड्स है नेगेटिव वाले वो निकाल देने हैं। अब जैसे ही आप कैन नॉट कुड नॉट निकाल दोगे ऑब्वियस ये सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा, और ये कैन नॉट और कुड नॉट के बाद जो कोई भी अपना V1 है वो V1 हमें कहां पे लेके आना है? TO2 के बाद में लेके आना है। तो बस TO2 के बाद आ गया अपना V1,
बाकी वाला सेंटेंस हम वैसे का वैसा ही रखेंगे तो कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। तो अब समझ लो कि जब भी किसी सेंटेंस में आप टी डब्ल्यू टू डैश 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 टी ओ टू यूज करना चाहते हो या सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, ऑब्वियसली योर की विल बी दिस। आपकी चाबी कुछ इस तरह से ही हो जाएगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज हम ये करेंगे कि जो कोई भी अपना वेरी है, जो कोई भी अपना रियल है, जो कोई भी अपना सो है, उसकी जगह पे क्या लेंगे, टी डब्ल्यू टू। उसके बाद एडजेक्टिव वैसे का वैसा रखेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, टी ओ टू। अगर सब्जेक्ट एक ही है तो ही ये चीज करेंगे, ले लेंगे टी ओ टू। टी ओ टू के बाद में क्या आएगा भाई, वी वन तो आएगा ही आएगा, तो ले लिया हमने वी वन। अब वी वन भी कहां से मिल गया, कैन नॉट और कुड नॉट जैसे वर्ड्स हमको सेंटेंस में दिए ही है, तो हमें और कुछ नहीं करना है, कैन नॉट कुड नॉट को निकाल देना है। कैन नॉट कुड नॉट के बाद जो कोई भी अपना वी वन है उसे उठा के कहां पे लाना है, टी ओ टू के बाद में। बाकी वाला सेंटेंस वैसे का वैसा रखो, अदर वर्ड्स वैसे का वैसा रखो, लास्ट में फुल स्टॉप कर लो और डिमांड कर दो, लाओ मेरा एक मार्क। सो सिंपल इज दिस, ओके। लेकिन कई बार कहानी में ट्विस्ट रहता है, कौन सा वाला ट्विस्ट रहता है ये भी ध्यान से देख लो। कि अगर ऐसा समझ लो कि पहले सेंटेंस के शुरुआत में अपने को जो सब्जेक्ट दिया है, ओके, समझो इस तरह से समझो, चलो सेंटेंस दिखाई देता हूं आपको, सस्पेंस खोल ही देता हूं, राज पूरे खोल ही देता हूं, ओके। ऐसा समझ लो कि पहले सेंटेंस की शुरुआत में अपने को जो सब्जेक्ट दिया है और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में अपने को जो सब्जेक्ट दिया हो, वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो। यानी कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट अगर हो, ओके। ऐसा ही सो में भी हो सकता है, ऐसा भी सो में भी हो सकता है कि भाई सो से पहले वाले सेंटेंस में अपने को जो सब्जेक्ट दिया हो, दैट के बाद में अपने को जो सब्जेक्ट दिया हो, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो, राइट। अगर समझो पहले सेंटेंस की शुरुआत में, दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में, सो से पहले वाले सेंटेंस में, दैट के बाद में जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट अगर अलग अलग हो, तो इतना समझ लो सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में अगर दो दो सब्जेक्ट हो इस तरह से, सेंटेंस नंबर थ्री और सेंटेंस नंबर फोर के जैसे, तो समझ लो हमें की नंबर दो यूज करनी है। ऐसे टाइम पे हम चाबी नंबर दो का इस्तेमाल करेंगे। अब उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो सेम ही आती है। आप बोलोगे सर कौन सी वाली, तो जो कोई भी अपना वेरी रियल या सो है उसकी जगह पे टी डबल ओ टू ले लो, ओके। अब ये जो कोई भी वेरी है, रियल है, सो, उसके बाद क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो कहां दिक्कत है बच्चा, उसके बाद में आप एडजेक्टिव भी ले लो, ओके। सो यहां तक तो सेंटेंस सेम जाता है, यहां तक तो एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट हो, पैटर्न ऑलमोस्ट ही सेम, कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अब दिक्कत यहां पर आएगी। अब ध्यान से देखो कि दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट अलग होगा या दैट के बाद में सब्जेक्ट अलग होगा, तो हम क्या करेंगे। अब ध्यान से, गौर से, आराम से सुनो। ऐसे समय पे जो भी अपना दूसरा वाला सब्जेक्ट है, यानी कि दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट है या दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में हमको जो भी सब्जेक्ट दिया है, उस सब्जेक्ट के आगे हमें एफ ओ आर फॉर डालना है। हमको हमें क्या डालना है, एफ ओ आर फॉर। अब जैसे ही उस सब्जेक्ट के आगे आप एफ ओ आर फॉर डालोगे, आपका क्या बन जाएगा, फॉर प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, फॉर प्लस सब्जेक्ट। और आपका जो कोई भी ये फॉर प्लस सब्जेक्ट बन चुका है, वो फॉर प्लस सब्जेक्ट हमें कहां पे लाना है, एब्सोल्युटली टी डबल ओ टू के बाद में लाना है, ओके। सो यहां पे टी डबल ओ टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद सीधा टी ओ टू लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट था। लेकिन ये दूसरी चाबी में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चाबी में टी डब्ल्यू टू और एडजेक्टिव तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन दूसरा जो सब्जेक्ट है अपना, दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट है या दैट के बाद में जो अपना दूसरा वाला सब्जेक्ट है, उसके आगे हम क्या लेंगे, फॉर। और तो फॉर जैसे ही रखोगे क्या बन जाएगा, फॉर प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये जो कोई भी अपना फॉर प्लस सब्जेक्ट बना, इसको हम कहां पे लेके आएंगे, उसको हम लेके आएंगे एडजेक्टिव के बाद में। सो एडजेक्टिव के बाद में हमने फॉर प्लस सब्जेक्ट ले लिया। अब जैसे ही आपने फॉर प्लस सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में हम ले सकते हैं टी ओ टू, और टी ओ टू के बाद वी वन तो रहेगा ही रहेगा। सो सिंपल इज दिस। और वी वन के बाद वाला सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, ओके। आप दोबारा पूछोगे कि सर वी वन कहां से मिलेगा, तो मैं दोबारा से वही आंसर दूंगा कि जो कोई भी अपना कैन नॉट और कुड नॉट है, उसके बाद में हमको जो दिया है वही तो अपना वी वन है। कैन नॉट और कुड नॉट जैसे वर्ड सेंटेंस में से निकाल देंगे ताकि सेंटेंस पॉजिटिव हो सके, ओके। और जैसे ही कैन नॉट और कुड नॉट निकाल देंगे, कैन नॉट और कुड नॉट के बाद जो भी वी वन है उसको लेके कहां पे आएंगे, टी ओ टू के बाद में लेके आएंगे। बाकी वाला सेंटेंस वैसे क्या वैसा रहेगा। आप सोचोगे सर और कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, ओके। कौन सा वाला चेंज आएगा, अगर दो है, दो सब्जेक्ट है, फॉर प्लस सब्जेक्ट वाली चाबी आप यूज कर रहे हो, समझो अगर आप चाबी नंबर दो यूज कर रहे हो, यानी कि फॉर प्लस सब्जेक्ट वाली चाबी अगर आप यूज कर रहे हो, तो सेंटेंस के एंड में, समझो सो दैट वाले सेंटेंस के एंड में आपको इट दिया होगा
या सेंटेंस के एंड में आपको टी एच ई एम धैम दिया गया होगा। अभी सेंटेंस के एंड में जो ईट है, सेंटेंस के एंड में जो धैम है, वो सारे के सारे वर्ड्स जो कोई भी है वो निकल जाएंगे। सो दीज वर्ड्स विल बी रिमूव्ड, आई कैन से। ओके, सो समझो ये दिक्कत, ये एंड और धैम वाली दिक्कत जब एक सब्जेक्ट होता है तो आती ही नहीं है। ये ईट और धैम वाली दिक्कत कब आती है? ये दिक्कत तभी आती है जब सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट हो। अब दो सब्जेक्ट हो तो दूसरे सब्जेक्ट के आगे फॉर रखना पड़ेगा, और फॉर प्लस सब्जेक्ट कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? एडजेक्टिव के बाद में लाना पड़ेगा। अब जैसे ही एडजेक्टिव के बाद आप फॉर प्लस सब्जेक्ट लाओगे, सेंटेंस के एंड में हमें ईट या धैम जैसे ऑब्जेक्ट्स दिए ही होंगे। हमें और कुछ नहीं करना, सेंटेंस के एंड में जो इट है, सेंटेंस के एंड में जो धैम है, ऐसे ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में से निकाल देने हैं। दीज वर्ड्स यानी कि इट और धैम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस। ये छोटी सी चीज है, इसका आपको ध्यान रखना ही है। ओके, आप सोचोगे कि सर दूसरा वाला जो अपना सब्जेक्ट है उसके आगे हम फॉर रखेंगे तो कोई सेंटेंस में चेंज होगा? तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देख लो। ओके, यहां ले रहे हैं हम सेकंड सब्जेक्ट, राइट, सेकंड सब्जेक्ट, चलो राइट, यहां पे हमने ले लिया सेकंड। ओके, सेकंड सब्जेक्ट, और यहां पे लेंगे फॉर के बाद यानी फॉर प्लस सब्जेक्ट में क्या चेंज आएगा? ओके, छोटा वाला चेंज है, इजी वाला चेंज है, आसानी से आप कर पाओगे, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, अब ध्यान से सुन लो। ओके, अब ध्यान से देख लो, ध्यान से सुन लो। अगर दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में या धैट के बाद में अगर आई है तो फॉर के बाद हम क्या करेंगे? उसका मी करेंगे। अगर दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में या धैट के बाद हमको वी दिया गया है तो वी का हम क्या करेंगे भाई? अस कर देंगे फॉर के बाद। ओके, अगर समझ लो कि दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में या धैट के बाद हमें यू दिया गया है तो फॉर के बाद हम यू का यू वैसे का वैसा रखेंगे। अगर दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में या धैट के बाद हमें ही दिया गया है तो हमें हिम करना है। ओके, अगर शी दिया गया है तो हमें हर करना है, और अगर हमें धे दिया गया है तो हमें टी एच ई एम धैम करना ही है। तो ये चीज़ छोटी वाली चीज़ है, याद रखनी पड़ेगी। ओके, आप बोलोगे सर राहुल दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर राहुल वैसे के वैसा। आप पूछोगे सर राधा दिया हो तो फॉर राधा वैसे के वैसा। आप पूछोगे सर द टीचर दिया हो तो फॉर द टीचर वैसे का वैसा रहेगा। चेंज कहाँ पे आता है? अगर दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है यानी दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट है अपना, दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है, या धैट के बाद में अगर दूसरा वाला सब्जेक्ट हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे? आई हो तो मी करेंगे, वी हो तो अस करेंगे, यू हो तो यू का यू, ही हो तो हिम करेंगे, शी हो तो हर करेंगे, दे हो तो धैम करेंगे। ओके, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस आता नहीं है। लेकिन राहुल, रमेश, नरेश, परेश, महेश, द टीचर, द प्रिंसिपल, माई फैमिली, योर ब्रदर, योर सिस्टर, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट दिया है तो उसमें फॉर के बाद कोई चेंज कभी भी आता नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने तकरीबन 12.5 मिनट की जो थियरी हम लोगों ने पढ़ी है, इससे इतना तो पता चल ही जाएगा मेरे भैयो कि भाई आप इजीली इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। ओके, लेकिन इसके लिए आपको की नंबर 1 और की नंबर 2 दोनों का अच्छे से ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बॉक्स में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपके मार्क लेके जा सकती है। सही है कि नहीं है? ओके, चलिए और कुछ नहीं करने वाला, मैं एक ही चीज़ करता हूँ, एंड दैट इज़ दी सेंटेंसेस। जितने ज़्यादा सेंटेंस देखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आएंगी। चलिए सबसे पहले सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं। राज इज़ वेरी बिजी, ही कैन नॉट जॉइन अस। अब गौर से देखिए भाई, राज इज़ वेरी बिजी, ही कैन नॉट जॉइन अस। अब सबसे पहले तो हमें एक ही चीज़ से चेक करनी है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो वही चेक करो, बाकी सब तो होता रहेगा भाई। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा वाला सब्जेक्ट हमें दिया गया है? राज। और राज के लिए दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में क्या है? ही, राइट। तो ही कैन नॉट जॉइन अस, ही माने कौन? तो ही माने राज। तो चलो अच्छी चीज़ हो गई अपने पास। क्या हो गया कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो की नंबर 1 आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, उसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राज इज, अब देखो वेरी रियली सो की जगह पे क्या लेते हैं? टी डबल ओ टू। तो वेरी की जगह पे क्या लोगे भैया? टी डबल ओ टू। अब टी डबल ओ टू के बाद तो एडजेक्टिव आता ही है, तो बिजी एडजेक्टिव अपने को आसानी से मिल गया, तो ले लो भाई यहाँ पे बिजी। अब ध्यान से सुनो, अब एडजेक्टिव के बाद क्या लेना है? टी ओ टू। ऑलवेज स्टिक टू माई कीज, मैं ऐसा टीचर हूं कि हमेशा ही किसी भी चीज में आपको एक अच्छी सी चाबी जरूर से दूंगा। एंड आई रेकमेंड यू, आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू फॉलो माय की इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई भी सिचुएशन वाला सेंटेंस क्यों ना आए,
मेरी चाबियां जो कोई भी है दे आर टू यूजफुल, तो आप बिल्कुल इसको भूलने की गलती ना करें। तो क्या होगा, राज इज टू बिजी। ओके अब देखो यहां पे क्या लिया है टू, तो हम भी क्या लेंगे टू, तो ले लिया भाई टी ओ टू। ओके सो राज इज टू बिजी टू, अब जैसे यहां पे टू लिखा ही निकल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी राज है सेंटेंस में, तो ही निकल जाएगा। कैन नॉट कुड नॉट वैसे भी निकल जाता है, कैन नॉट कुड नॉट के बाद क्या मिलता है v1 कौन सा है join, कहां पे लाएंगे to के बाद में, तो ले लो बच्चा यहां पे join, आ गया अपना join। सो राज इज टू बिजी टू join us, लास्ट में क्या करोगे फुल स्टॉप। सिंपल सी बात है, अगर एक ही सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है, आसानी से सेंटेंस बन जाता है। सो राज इज टू बिजी टू ज्वाइन अस, राज इज टू बिजी टू ज्वाइन अस, ये सेंटेंस नेगेटिव था, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। और दोनों का जो मीनिंग रहता है वो मीनिंग सेम ही रहता है, ऊपर वाले का गुजराती करो नीचे वाले का गुजराती करो, ऊपर वाले का हिंदी करो नीचे वाले का हिंदी करो, ऊपर वाले का उर्दू करो नीचे वाले का उर्दू करो, ऊपर वाले का बिहारी करो नीचे वाले का बिहारी करो। ओके कोई भी लैंग्वेज में देख लो सेम ही रहेगा भैया, नो दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। द स्वैलो वॉज वेरी काइंड हार्टेड, ही कुड नॉट से नो। अब हैप्पी प्रिंस वाला पार्ट सबने पढ़ा होगा, जहां पे मास प्रमोशन मिल गया वहीं पे भी ये पढ़ाया होगा, नो इश्यू विद दिस, लेकिन फिर भी देख लो द स्वैलो। ओके वो छोटा सा बर्ड जो हैप्पी प्रिंस के साथ हमेशा ही रहता था और वो बेचारा फंस कहां पे गया, वो हैप्पी प्रिंस को ना नहीं करवाया। क्यों ना नहीं करवाया, बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वो काइंड हार्टेड है तो वो मना नहीं कर सकता था। अब चलो कोई बात नहीं, जो हुआ देखेंगे बाद में। ओके चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को सिर्फ पहले ये देखना है कि भाई सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है कि दो सब्जेक्ट है। अब ध्यान से यहां पे देखो। ओके चलो सबसे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट है, द स्वैलो। ओके और स्वैलो के लिए ही यहां पे क्या यूज किया गया है, ही, राइट। ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी है, थोड़ी पोएटिक लाइसेंस पोएटिक लिबर्टी ली हुई है, स्वैलो जो कोई भी है ओके उसके लिए यहां पे ही यूज इस्तेमाल किया गया है, नो इश्यू विद दिस, स्टोरीज में ऐसा कुछ होता है। ओके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दोनों जगह पे सब्जेक्ट तो एक ही है। अब दोनों जगह पे अगर सब्जेक्ट एक ही है तो मेरे को की नंबर एक ही इस्तेमाल करनी है, यानी टी डब्ल्यू टू एडजेक्टिव टी ओ टू और वी वन मेरे को लेना ही है। तो द स्वैलो वॉज वेरी, वेरी की जगह पे मैं क्या ले लूंगा टी डब्ल्यू टू ले ही लूंगा, तो द स्वैलो वॉज टू। उसके बाद क्या आएगा, काइंड हार्टेड, तो हम ले लेंगे यहां पे काइंड हार्टेड। चलिए काइंड हार्टेड, द स्वैलो वॉज टू काइंड हार्टेड। ओके अब द स्वैलो वॉज टू काइंड हार्टेड ले लिया। ओके अब चाबी अनुसार ही जाओ क्या है टी ओ टू, तो ले लेंगे भाई यहां पे भी टी ओ टू। ही निकल जाएगा, कुड नॉट निकल जाएगा, कुड नॉट के बाद वी वन कौन सा है से, कहां पे लाएंगे टीओ टू के बाद में, तो काइंड हार्टेड टू, काइंड हार्टेड टू से, और से के बाद नो, वो किसी को भी नो नहीं बोल सकता था, लास्ट में इसी वजह से वो मारा गया। तो द स्वैलो वॉज टू काइंड हार्टेड टू से नो, कि स्वैलो इतना काइंड हार्टेड आके वो किसी को भी मना नहीं करता था। सो सिंपल इज दिस। ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट की नंबर वन। अब देखो मैं जानता हूं आप लोग एक ही चीज की राह देखते होंगे कि सर की नंबर दो का कुछ करिए, वो मुझे दिक्कत वाली दिखती है। नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो आराम से आएगा। चलिए हम शुरू कर दें। ओके चलिए कॉन्सेंट्रेट की नंबर टू पे ही करना है, तो की नंबर टू को ही जरा हम लोग फोकस करेंगे। द रोड इज वेरी रफ, आई कैन नॉट ड्राइव माई कार। द रोड इज वेरी रफ, आई कैन नॉट ड्राइव माई कार, चलो अच्छी सी बात है। ओके सबसे पहले सेंटेंस देखो, चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, द रोड है। अभी गौर से देखो दूसरे सेंटेंस में कौन सा वाला सब्जेक्ट है, आई। रोड के लिए आई तो यूज नहीं होगा ना, तो आई के लिए द रोड तो यूज नहीं होगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझे रहा, सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, लोगों के लिए होगी गड़बड़, अपने लिए गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अपने को चाबी नंबर दो याद है, नहीं याद तो ऊपर देख लो बच्चा। सबसे पहले द रोड इज, ओके अब वेरी की जगह, हाँ चलो ये भी दिखा देता हूँ, वेरी की जगह पे क्या लेंगे भाई, सो वेरी रियली सो की जगह पे टी डब्ल्यू टू ले लेंगे। ओके चलो ले लेते हैं, आसान सी चीज है। ओके सो द रोड इज टू रफ, चलो टी डब्ल्यू टू और यहाँ पे आर ओ यू जी एच रफ ले लिया। अब यहां तक तो पहुंच चुके हैं, द रोड इज टू रफ, यहां तक तो पहुंच चुके हैं। अब दूसरा वाला जो दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में जो भी अपना सब्जेक्ट है उसके आगे क्या लिखेंगे, फॉर। अब जैसे ही आई के आ गया फॉर लिखोगे, आई का क्या होगा, मी। देख लो बच्चा यहाँ पे आई का क्या किया है मैंने, फॉर के बाद मी, सब कुछ लिख के देते हैं डीएम सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या आएगा, द रोड इज टू रफ और आई का क्या करेंगे, मी। तो द रोड इज टू रफ, उसके बाद में यहाँ पे क्या लोगे, फॉर। फॉर के बाद आई का क्या होगा बेटा, मी। ओके तो ये कुछ नया वाला आया ना, फॉर मी, समझे कि नहीं समझे, तो आ गया अपना फॉर मी। तो देख लो भाई, द रोड इज सो सॉरी टू रफ फॉर मी। अब फॉर मी के बाद ले लो टू, चलिए ओके। यहां तो आई तो निकल गया क्योंकि फॉर मी हो गया उसका, तो कैन नॉट निकल जाएगा, कैन नॉट के बाद क्या है, ड्राइव। तो टू के बाद वी वन कौन सा आएगा, ड्राइव।
और उसके बाद क्या लेंगे बच्चा, माय कार, लास्ट में कर लो फुल स्टॉप. ओके, बस अगर ध्यान से इतना कर गए ना, मेरे को नहीं लगता आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली हो इसमें, कहीं पर भी नहीं. बस पहले ये देख लो, हाँ देर इज अ हिडन कंडीशन. ये सेंटेंस शुरू करने से पहले एक हिडन कंडीशन है, पहले देख लो एक सब्जेक्ट है कि दो सब्जेक्ट है, सही है. ये जान गए, ये कर गए, खत्म कहानी. द फ्यूचर इज सो अनप्रिडिक्टेबल दैट वी कैन नॉट नो इट. ध्यान से सुनना, द फ्यूचर इज सो अनप्रिडिक्टेबल दैट वी कैन नॉट नो इट. इजिली जान लो, सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले सेंटेंस की शुरुआत में कौन सा सब्जेक्ट है, द फ्यूचर. दैट के बाद कौन सा है, वी. समझ लो यहाँ पे सो डैश 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 दैट यूज करके दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है. ओके, सबसे पहले द फ्यूचर और दैट के बाद वी, तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है बच्चा, दो सब्जेक्ट है. कोई बात नहीं, दो सब्जेक्ट है तो चाबी नंबर दो ही इस्तेमाल करेंगे, क्या 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 दिक्कत है. द फ्यूचर इज, अब एसओ सो की जगह पे, पहली बार ऐसा आया है कि वेरी रियली सो की जगह पे टी डब्ल्यू टू, तो सो की जगह पे सबसे पहले क्या करेंगे, टी डब्ल्यू टू ले लेंगे, तो सो की जगह पे आएगा टी डब्ल्यू टू. अब टू के बाद एडजेक्टिव तो रहता ही, तो अनप्रिडिक्टेबल ले लेंगे. चलिए सबसे पहले अनप्रिडिक्टेबल, द फ्यूचर इज टू अनप्रिडिक्टेबल. ओके, अब देखो दैट के बाद कौन सा वाला सब्जेक्ट है, वी. अब वी के आगे फॉर लिखोगे क्या आएगा, देख लो. वी के बाद क्या आता है, वी का क्या होता है फॉर के बाद, अस आता ही होगा. ओके, याद भी होगा. द फ्यूचर इज टू अनप्रिडिक्टेबल फॉर, और वी का क्या करोगे भैया, अस. ओके, तो द फ्यूचर इज टू अनप्रिडिक्टेबल फॉर अस, तो ये नया वाला आया ना फॉर अस. ओके, चलिए फॉर अस हो गया. अब फॉर अस हो जाए उसके बाद में क्या करेंगे, टी ओ टू, राइट. कैन नॉट कुड नॉट तो निकलेगा ही निकलेगा, तो निकाल दो. अब वी वन कौन सा है, नो, तो टू के बाद ले लो नो, आ गया अपना नो. चलो याद करो याद करो याद करो, लास्ट में इट लिखना है कि नहीं लिखना है, नहीं लिखना है. देखो यहाँ पे दिया, सेंटेंस के एंड में इट हो या धैम हो विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दी सेंटेंस. ओके, राइट. अपने को सेंटेंस के एंड में जो भी सब ऑब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट लिखना नहीं है, फुल स्टॉप कर दो. ओके, तो इट नहीं लिखना है, याद रखिएगा इसे. सो द फ्यूचर इज टू अनप्रिडिक्टेबल फॉर अस टू नो, द फ्यूचर इज टू अनप्रिडिक्टेबल फॉर अस टू नो. दोनों का हिंदी गुजराती कुछ भी कर लो सेम ही रहता है. ओके, राइट, सेंटेंस का जो भावार्थ है वो सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है. चलिए सेंटेंस नंबर फाइव की ओर आगे बढ़ते हैं. द बॉक्सिस वेर सो हैवी दैट द बॉय कुड नॉट लिफ्ट इट, द बॉक्सिस वेर सो हैवी दैट द बॉय कुड नॉट लिफ्ट धैम, लिफ्ट धैम. अब ध्यान से देखो, गौर से देखो, पहले सेंटेंस के शुरुआत में कौन सा वाला सब्जेक्ट है, द बॉक्सिस. दैट के बाद कौन सा वाला सब्जेक्ट है, द बॉय. कितने सब्जेक्ट हुए, दो. दो सब्जेक्ट हुए तो चाबी नंबर भी दो. चलो कोई बात नहीं, द बॉक्सिस वे एस ओ सो की जगह पे ले लेंगे टी डब्ल्यू टू, एडजेक्टिव के तौर पे एच ई ए वाई हैवी. ओके, सो द बॉक्सिस वे टू हैवी. अब देखो यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट है, द बॉय के आगे क्या लिखोगे, फॉर. जैसा ही फॉर लिखोगे क्या हो जाएगा, फॉर द बॉय. ओके, ही होता तो हिम करते, शी होता तो हर करते, लेकिन द बॉय है तो फॉर द बॉय. सो हैवी के बाद सीधा ही ले लो फॉर द बॉय. चलो बढ़िया किया फॉर द बॉय. ओके, तो ये कुछ नया आ गया ना भाई. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, फॉर द बॉय आ गया अपना नया, फॉर द बॉय. चलो अच्छा किया फॉर द बॉय. सो द बॉक्सिस वेर टू हैवी फॉर द बॉय. ओके, अब सीधा लेंगे चाबी के अनुसार टी ओ टू, कुड नॉट निकल जाएगा. वी वन कौन सा है, लिफ्ट, तो ले लो लिफ्ट. अभी मैंने बताया, क्या बताया, कि सेंटेंस में से इट या धैम जैसे वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट निकल जाते हैं. ओके, और यहाँ पे कर दो फुल स्टॉप. ये ऑब्जेक्ट वाली दिक्कत तभी आएगी जब सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट हो, वरना वो दिक्कत भी नहीं आती. ओके, चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ नया देखने को आपको मिले. चलिए आप यहाँ पे नक्की कीजिएगा कि एक वर्ब सब्जेक्ट है कि दो सब्जेक्ट है. द रोड इज सो बिजी दैट इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड, द रोड इज सो बिजी दैट इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड. अब गौर से देखो गौर से देखो गौर से देखो. ओके, यहाँ कौन सा वाला सब्जेक्ट है, द रोड. और गौर से देखो, दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में रोड के लिए ही क्या यूज किया है, इट. तो दो हुए कि एक हुआ, एक ही सब्जेक्ट है. और अगर सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट हो तो चाबी नंबर एक लेंगे. कितना आसान, द रोड इज सो की जगह पे क्या लोगे, टी डबल ओ टू, उसके बाद में आएगा बीजी, राइट. द रोड इज टू बिजी. ओके, अब दैट की जगह पे डायरेक्ट डाल दो टी ओ टू, आ गया टी ओ टू. द रोड इज टू बिजी टू, इट निकल जाएगा, कैन नॉट निकल जाएगा, सीधा ले लो बी, तो आ गया मेरा बी. और उसके बाद में क्या होगा, क्रॉस, सी आर ओ डबल एस ई डी, राइट. सो देख लो, द रोड इज टू बिजी टू बी क्रॉस्ड, द रोड इज टू बिजी
टू बी क्रॉस्ड. ओके, बड़ी आसानी से हम लोगों ने TWO2 CO2 देख लिया. चलिए, आई होप यू माइट हैव लाइक्ड द वीडियो. डू शेयर इट एंड डू गिव मी अ बिग थम टू द वीडियो. चलिए, बाय.